बीजेपी स्थापना दिवस के अवसर पर बीजेपी मुख्यालय देहरादून में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पार्टी मुख्यालय में ध्वजारोहण किया। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भाजपा की पत्रिका देव कमल का भी विमोचन किया। वहीं उन्होंने पार्टी के 45वें स्थापना दिवस के मौके पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। लोकसभा चुनाव में भाजपा की भारी बहुमत से जीत होगी। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए सबके लिए एक बहुत ऐतिहासिक दिन है, बहुत बड़ा दिन है कि आज के दिन भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी गई थी और आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश और दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी हो गई, सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन हो गया। उसमें हमारे कई कई पीढ़ियों के कार्यकर्ताओं ने काम किया है, पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों ने खपाया है। मैं उन सबको भी नमन करना चाहता हूँ, उन सबका जो कि दिल से मैं स्मरण करना चाहता हूँ जिन्होंने इस पार्टी को यहाँ तक पहुँचाया है। और हमारे लिए इस बार का स्थापना दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इस बार के स्थापना दिवस पर हम लोकतंत्र के महापर्व में भी जा रहे हैं। हम सब कार्यकर्ता सभी संकल्प लेते हैं कि इस बार के स्थापना दिवस के अवसर पर तीसरी बार हम प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएं, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना योगदान दें।